कंटिन्यूएशन ऑफ द लेसन पेज नंबर 16। सेकेंड बट लास्ट पैराग्राफ कंटिन्यूएशन ऑफ द लेसन पेज नंबर 16 सेकेंड बट लास्ट पैराग्राफ। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. आँखों में चमक दिखाते हुए उसने बोला, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिलता है, कभी 10 रुपये भी मिलता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. जब आपको एक सिक्का मिल ही जाता है तो आपका स्क्राउंजिंग करने का, बीनने का काम आप बंद नहीं करोगे। फॉर देर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और भी मिलने का सोच है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कूड़ा कचरा बच्चों के लिए एक अलग ही बात है, पेरेंट्स का जैसा नहीं है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए एक आश्चर्य की बात। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए जीने का तरीका है। अपना टोंग में भी आते हैं ना सुबह सुबह कचरा बीनने के लिए, पॉलीथीन वगैरह उठा के ले जाने के लिए, तो वो उनका पार्ट टाइम वर्क है। इधर सुबह सुबह जाते हैं तो क्या है, कुछ तो मिलता है, प्लास्टिक का जो चीज़ें हैं, पॉलीथीन है, थैली है, प्लास्टिक का और चीज़ें हैं, तो इस तरह का चीज़ें लेके जाते हुए देखा होगा। तो उनका तरीका है, और तो कोई भी हम सोचेंगे क्यों ले जाते, लेकिन वो ले जाके फिर देते ही कहीं जहाँ पर उसका यूज़ होता है, रिसाइकलिंग होता, पैसा मिलता है, इसलिए करते हैं। वरना तो क्या है, दिमाग ख़राब है क्या, वो सुबह सुबह आए और ये बीन के ले जाएं, नहीं। और सुबह सुबह जाते समय तो और भी कुछ मिलते होंगे, और इसलिए वो इतना ये नहीं करता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन सुबह की बात है, वो एक फेंस के उधर खड़े खड़े टेनिस खेलने का खेल देख रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। मुझे गेम अच्छा लगता है, तभी तो मैं फेंस के बाहर खड़े खड़े उसको देखता है। फेंस तो जानते होंगे ना, जो बॉर्डर में बांधते हैं ना, बाढ़ से बंद बनाते, वो ये बाउंड्री जो बनाते हैं अपन, कार्टन से बनाते हैं, कभी ईटों से बनाते हैं, कभी तारों से बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं फेंस। उसके बाहर खड़े खड़े में देखता था, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। मैं कभी कभी अंदर चल जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं होता। देन गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर से मेरा सेटिंग है और वो मुझे झूला झूलने देते। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। शर्ट तो आता है शॉर्ट्स एंड निकर, खिलाड़ी लोग जो पहनते हैं उसी को कहते हैं क्या है, शॉर्ट्स। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, उसको देखो वो भी टेनिस शूज पहन रखा है, लेकिन अलग है, स्ट्रेंज है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। पूछा गया तो उसने बोला, तो किसी ने दिया मुझे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई तो यही है, ये किसी अमीर लड़के का खराब वाला फेंका गया जूते, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वेयर दम बिकॉज ऑफ द होल इन वन ऑफ दम।
शायद वो फेंगा इसलिए क्योंकि उसको तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका अंदर एक में एक छेद है, इसलिए वो फेंक दिया। लेकिन ये बिना परवाह किए बोल रहे मुझे किसी ने दिया, सच्चाई तो पीछे से वो भी बता दिया, क्योंकि सच्चाई बोलने में थोड़ा शर्म आता है ना, इसलिए तो बोला किसी ने दिया। तो ऐसा कैसे बोलें, किसी का फेंका हुआ था मैंने उठा लिया, उससे अच्छा है ना तो किसी ने दिया बोले। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फूट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, नंगा चलने से अच्छा है एक छेद वाला जूता पहन लें तो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इच्छा तो पूरी होगी ना। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज इंटेंटली इज आउट ऑफ इज रीच, लेकिन जो गेम है वो उसकी बस की बात नहीं है। इसे मालूम है ना टेनिस वाला गेम अमीर लोगों का खेल है और गरीब खेल ही नहीं सकते, क्योंकि उसका ड्रेस जूते रैकेट वगैरह वगैरह बहुत कॉस्टली होता। दिस मॉर्निंग सागबी ऑन इज वे टू द मिल्क बूथ, आज जब मैं उससे मिला तो वो मिल्क बूथ की ओर जा रहे थे। इन्हीं साथ इसे स्टील कैनिस्टर जार पीपा दूध वाला, उसके हाथ में एक दूध वाला बाल्टी कहते ना। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पूछा गया तो उसने बताया मैं आज कल एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे खाना फ्री में मिलता है और महीने में 800 रुपीज मिलता है। डस ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने पूछा तुम्हें यह काम अच्छा लगता है क्या। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसका चेहरा में ध्यान दिया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर शोल्डर, स्टील कंटेनर प्लास्टिक वाले से भारी है लेकिन वो इतना हल्का तरीका से उसको लेके जाते हुए देखा। द बैग वॉज हिस, बैग तो उसका है। द कैनिस्टर बिलोंग्स द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये बाल्टी है वो दुकान वाले का है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब तक खुद का मास्टर नहीं बना, अब किसी के अंडर में काम करने का स्थिति में है। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. अब दूसरा आ गया मुकेश। मुकेश अपना काम करके मालिक बनना चाहते हैं। I will be a motor mechanic, he announces. वो कहते हैं मुझे मोटर मैकेनिक बनाना है। Do you know anything about cars? I asked. तो मैंने पूछा कार के बारे में कोई जानकारी है। I will learn to drive a car, he answered. वो कहने लगा कि मैं चलाने सीखूंगा। Looking straight into my eyes, मेरा आंखों में आंखें डाल के बोला। His dream looms like a mirage amidst the dust of stress streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Firozabad में रहने वाला है मुकेश, यूपी में है फिरोजाबाद, वहाँ बैंगल इंडस्ट्री होता है, बैंगल के लिए फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। ये बैंगल इंडस्ट्री का सेंटर है, पूरा देश में महिलाओं के लिए जो चूड़ियों का ज़रूरत है कांच वाला वो बना के बेचने का धंधा होते है यहाँ पर। वो धंधे में लगे हुए एक व्यक्ति से मेरा मुलाकात हुआ एंड हिज नेम इज मुकेश। वो कहता है मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, लेकिन उसको अभी कार के बारे में कुछ भी नहीं आता। उसका कॉन्फिडेंस यही है मैं तो सीखूंगा सब, यही होता है कॉन्फिडेंस।
लेकिन हमारे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं। मैं आके 11th क्लास में सब्जेक्ट लिया और पढ़ लिया और 12th में आ गया, तो कोई चिंता नहीं, पास हो जाए तो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए कोई आइडिया रखते ही नहीं। लेकिन इसका कॉन्फिडेंस पहले से उसने सीखा, ये करना है मुझे आगे जाके। मुकेश फैमिली इज समंग दम, मुकेश के फैमिली भी उन्हीं के बीच में। नन ऑफ दम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। बच्चों को ये बात पता नहीं है यहाँ पर काम करना गैरकानूनी है और ऐसा जगह में बैठ के काम करना हाई टेम्परेचर के बीच में इन डिंजी सेल्स, डिंजी यानी डार्क, विदाउट एयर एंड लाइट, पर्याप्त एयर सर्कुलेशन नहीं है और लाइट नहीं है। दैट द लॉ इन इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। अगर कानून का सही इस्तेमाल करें तो यहाँ काम करने वाले लोगों को, बच्चों को पकड़ के बंद कर दिया जाएगा जेल में। जो यहाँ 20,000 लोग काम करते हैं बच्चे, और ऐसे जगह में जो अंधेरा है, एयर सर्कुलेशन कम है, वहाँ बैठ के कम रोशनी में काम करते करते कई लोगों का आँखों की रोशनी भी कमज़ोर पड़ जाते हैं जल्दी उम्र में। पता है ना, चाइल्ड लेबर कानूनी अपराध है, 14 साल से कम वाले बच्चे। अब सरकार को भी खुजली होती है, तो कोई 14 साल के बच्चे काम मजबूरी में करता है, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग तो पढ़ना नहीं लिखना चाहते नहीं है तो जाके काम करेगा तो थोड़ा पैसा मिलेगा, उसे यश करता है। कुछ बच्चे तो पैसा कमा के मतलब घर वालों को देते हैं, हो सकता है घर पे कोई परेशानी होगी, अपंग होंगे, कोई काम नहीं कर सकते, माँ बाप बूढ़े होंगे या माँ बाप नहीं होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या कोई भी हो, तो ऐसे स्थिति में उन लोग काम करके 2 रुपये कमाते सरकार को, वो भी कुछ लिए। मुकेश आईज बीम आज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, वो मुझे अपना घर पे ले गया तो उसका आंखें चमक रही, उसको मज़ा आ गया। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, कहते हैं देखा ये हमारा घर है, ये रीबिल्ट किया हुआ है, दोबारा बनाया हुआ है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, ऐसा बस्ती से चला कि वहाँ पूरा गार्बेज भरा हुआ है। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे ऐसे घर के सामने से जिसका दीवार गिरने वाले है। वूपली डोर्स नो विंडोज, दरवाजा भी टूटा फूटा, खिड़की तो है ही नहीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एक्सिस्टिंग इन ए प्रीमीवल स्टेट, वहाँ मिलजुल कर रहते जानवर और इंसान। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो जाके ऐसे ही घर के सामने रुक गए। बैंक से वूबली एंड डोर विथ हिज फुट, लात मार के एक उसका दरवाजा खोला एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देके उसको खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शैक, हट को कहते हैं। इन वन पार्ट इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, डेड ग्रास मीन सूखा घास। और उसका छत घास डाल के बना हुआ, गांव का तो मकान वैसे देखा होगा घास से बना रखा है छत। इसे फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स लार्ज वेसल, चूल्हा तो है उसके ऊपर को बड़ा सा बर्तन रख रखा है। वेसल का इधर का मतलब बर्तन, शिप मीनिंग भी आता है, और इधर का मतलब बड़ा सा बर्तन। और सिसलिंग स्पिनच लीव्स, सिसलिंग मीन्स बॉइलिंग, उसके अंदर पालक पका रहे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लाटर्स, प्लाटर्स यानी बर्तन,
और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स उसके अंदर पालक के सॉरी आलूए, इसका मतलब आज खाने में क्या बनेगा, आलू पालक। ये फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर लेडी बैठ के खाना पका रही है शाम के लिए सबको। थ्रू आइस फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, धुआं उसके आंखें में भरा हुआ है फिर भी वो मुस्कुरा रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश की भाभी है बड़ी वाली। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट ऑफ द बहू, ज़्यादा उम्र की नहीं है जवान है। बहू का रूप में है लेकिन वो घरवाली का काम कर रहे। मेरा घरवाली का मतलब घर का जो मुखिया। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, तीन जने और हैं उसके घर पे, उनके ऊपर राज करने वाली यही है। कुछ लेडीज ऐसे होता है ना बहुत तेज है, वो घर को चलाते, पति को लाइन खींच के उसी में खड़ा कर देती, उसके बिना दूसरा कोई कुछ काम नहीं करे, ऐसा हिम्मत वाली लेडीज होती है, वो कभी कभी ज़रूरी भी है कि बच्चे और पति अगर बिगड़े हुए हैं तो उसको सुधारने के लिए तो ऐसे लेडीज चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे लेडी बन जाएं, लेकिन थोड़ा सीरियस होना चाहिए मैटर्स को, घर चलाने में सीरियस होना चाहिए। वो सीरियसनेस समझना, ये नहीं है ये तो बड़ा मतलब गुंडा टाइप की है, ऐसा नहीं है, समझदार, घर बिछड़ने से संभालने वाली, घर की परिस्थिति को देख के काम करने वाली, घर की कमाई के हिसाब से काम करने वाली, ऐसी समझदार लेडी बने तो सबसे अच्छा। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल यानी घूंघट, क्लोजर टू हर फेस। बड़े लोग घर पे प्रवेश करते समय थोड़ा रेस्पेक्ट दे के पीछे हट के घूंघट डालती थी, या भी नॉर्थ इंडिया में है ना सिस्टम, पति और ससुर जी या बड़े लोग जेठ जी वगैरह आते समय क्या करते है, घूंघट डालते। आजकल तो चोरियाँ कुछ भी नहीं करता, हाँ उनको तो नए नए सिस्टम पुराने पुराने सिस्टम पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में कभी करना ही पड़ता है कि ऐसा जगह में अगर शादी हो गई है तो बस कुछ तो करना पड़ता है। ये कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एंडर्स, सिस्टम के आधार पर बड़े लोग घर पे प्रवेश करते समय या करने से पहले अपना चेहरा ढकना होता है। इन दिस केस द एल्डर्स इज एन इम्प्रोवर्स्ड बैंगल मेकर, इस केस में देखा जाए तो उसका एल्डर, घर का एल्डर तो वैसे बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट आज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, इतने साल का एक्सपीरियंस है, शुरू शुरू में टेलर का काम करता था, बाद में वो बैंगल मेकर हो गया। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, अब तक वो एक घर तैयार नहीं कर पाए, लेकिन सेंडिंग हिज टू सन्स टू स्कूल, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच दम दैट व्हाट ही नोस, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो इतना ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ उसने जो काम सीखा वो भी उन बच्चों को सिखाया। कुछ दिन के बाद वो मर जाएगा, लेकिन काम करके तो जीना है, तो बस बच्चों को पढ़ा लिखा बना, तो ये भी काम करेगा थोड़ा, पढ़ा लिखा होने से और भी कुछ काम मिलेगा, दोनों में से कमाई थोड़ा थोड़ा कर सकता है, तो इसलिए वो गर्व रखता है कि कम से कम मैंने इतना काम कर लिया, अच्छी बात है, बाकी बाद में।